हेलो एंड वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। दिस इज आशुतोष बिरला, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का हमारा विषय है भारत की जलवायु पर। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की जलवायु की जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत एक ऐसा देश है, विश्व का एकमात्र भी हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर विश्व के अंदर जितने भी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो सारे प्रकार हमें भारत के अंदर दिखलाई देते हैं। सामान्य तौर पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जलवायु हम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम कई बार सामान्य अर्थों में जलवायु और मौसम इन दोनों को समान अर्थों के अंदर प्रयोग में ले लेते हैं, जबकि वास्तव में मौसम जो होता है वो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं उसको हम मौसम कहते हैं, और जब मौसम संबंधी दशाओं का जो औसत रूप होता है उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। भारत की अगर जलवायु हम देख रहे हैं कि भारत, इसके लिए ये कहा जाता है कि हम भारत की जलवायु के बारे में नहीं भारत की जलवायु के बारे में बात कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि भारत के अंदर जलवायु में बहुत ही अधिक विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन फिर भी यदि एक शब्द के अंदर भारत की जलवायु को यदि हमें प्रदर्शित करना हो, स्पष्ट करना हो, तो उसके लिए हम उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष पर मानसून का प्रभाव हमें सबसे अधिक दिखलाई देता है। अब बात यहाँ पर आती है कि भारत की जलवायु किन किन कारणों से प्रभावित होती है, इस पर हम विचार करते हैं, तो जिसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारा वो आता है विषुवत रेखा की समीपता। ये जो विषुवत रेखा की समीपता है इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये हमें दिखाई देता है कि ये अगर हम देखें तो विषुवत रेखा यहाँ पर बनी हुई है। विषुवत रेखा जो यहाँ पर बनी हुई है इस रूप में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये विषुवत रेखा रेखीय क्षेत्र है। इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से इसका प्रारंभ होता है, यानी कि विषुवत रेखा से भारत की दूरी अगर हम देखते हैं तो ये मात्र 876 किलोमीटर दूर है, जिसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर से सीधी पड़ती हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखना चाहें तो इसके कारण से विषुवत रेखा की जो समीपता है ये भारत की जलवायु को एक उष्ण स्वरूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कर्क रेखा जो कि भारत के लगभग मध्य में से होती हुई गुजरती है, इस प्रकार से ये देश के 8 राज्यों में से होकर के निकलती है। सामान्य तौर पर ये कर्क रेखा भारत के पूरे भारतवर्ष को 2 भागों के अंदर बांट देती है। इसका ये उत्तरी भाग जो है ये उत्तरी भाग तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है और वहीं ये जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत शामिल हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो इस उष्ण कटिबंधीय भाग के अंदर कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच में सूर्य की किरणें बराबर से सीधी पड़ती हैं और कर्क रेखा के उत्तर में जैसे जैसे हम जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। इस बढ़ते चले जाने के कारण से ही उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण और शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण आता है वो आता है समुद्र तल से ऊंचाई और दूरी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता हुआ चला जाता है। ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इसके कम होने के कारण से समान अक्षांश रेखा पर भी हमें विभिन्न प्रकार के तापमान ऊंचाई के कारण से दिखलाई देते हैं। यदि हम बात करें तो कई एक अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें एक प्रकार से पड़ती हैं, लेकिन उच्चावच के कारण से हमें वहां का तापमान विभिन्न प्रकार से अंकित होता हुआ दिखलाई देता है। यदि हम भारत में बात करें तो उदाहरण के रूप में जैसे हम आगरा और उसके साथ साथ हम दार्जिलिंग की बात यहां पर हम कर सकते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं, लेकिन आगरा के तापमान में और दार्जिलिंग के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। शीतकाल में जहां पर आगरा का तापमान
18 डिग्री के लगभग रहता है, वहीं दार्जिलिंग का तापमान माइनस में भी चला जाता है। तो ये जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है ये केवल उच्चावच के लिए ही दिखाई दे रहा है। और हमने पहले भी जानकारी प्राप्त की थी कि भारत के अंदर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं, यहाँ का धरातल विभिन्न प्रकार का उच्चावच लिए हुए है, जिसके कारण से यहाँ उसका प्रभाव हमें जलवायु पर भी पड़ता हुआ दिखलाई देता है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु आता है, वो आता है समुद्र से दूरी। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी यहाँ पर कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। हम ये भी जानते हैं कि भारत जो है वो तीन ओर से सागरों से घिरे होने के कारण से ये जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में होते हुए भी उपोष्ण प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर सागर का समकारी प्रभाव काम करता है। और जैसा कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं कि जो जल जो होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिसके कारण से यहाँ का जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है। और जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमें तापमान के अंदर विषमता दिखाई देती है। इस सागर के समकारी प्रभाव के कारण ही दक्षिणी भाग के अंदर ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं के अंतर्गत हमें तापमान समान सा दिखलाई देता है। वहीं जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं उस समय पर हमें भारत की जलवायु के अंदर महाद्वीपीयता का प्रभाव दिखलाई देने लगता है। इसी प्रकार से ये जो बात आती है वो तीन ओर से समुद्रों से घिरा होना ये इसी तथ्य को स्पष्ट करता है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आता है धरातलीय विविधता। धरातलीय विविधता हम ये जानते हैं कि पूरा भारत अलग अलग समय पर बने होने के कारण से अलग अलग प्रकार का उच्चावच रखता है और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर भारत की जलवायु पर पड़ता है। इसके साथ साथ ही यदि हम देखें तो इस विविधता के अंतर्गत ये जो हमारे यहाँ पर उत्तरी भाग के अंदर हिमालय जो पर्वतमाला है ये जो हमें दिखलाई देती है ये हिमालय पर्वतमाला का प्रभाव भारत की जलवायु पर सर्वाधिक पड़ता है। कहा यह जाता है कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक और तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं यहाँ पर से आती हैं भारत के अंदर आती हैं उन हवाओं को ये रोक करके वर्षा करने में सक्षम बनाता है। वहीं उसके साथ साथ ये भारत के अंतर्गत जब ये सक्षम बनाता है वहीं उत्तर से आने वाली हवाओं को रोक करके ये भारत को ठंडे मरुस्थल में होने से भी बचाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमें ये कई जगह पर यहाँ पर ये दिखलाई देता है कि ये जो पूरा का पूरा भारत का जो भाग आता है वो पूरा का भारत का भाग हमें इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दिखलाई देता है, जो कि जलवायु के अंदर हमें यहाँ पर प्रभावित होते हुए भी दिखलाई देता है। इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखें कि भारत की जो जलवायु है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिनके अंतर्गत हम विषुवत रेखा की समीपता, कर्क रेखा का देश के मध्य भाग से गुजरना और उसके साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई और दूरी, ये सभी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। हम एक बार इसको हटा देते हैं ताकि हमें अगली स्लाइड्स के अंदर और चीज़ें समझने में आसानी रहे। ये हमने इनको हटाया। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत के अंदर जलवायु किस प्रकार से है, इसको भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा है और उनके अंतर्गत हमें क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं, हम उसकी बात अब यहाँ पर करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। हम देखते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को तीन ऋतुओं के अंतर्गत बांटा है। दो प्रमुख भागों के अंदर बांटा है, उत्तर पूर्वी मानसून काल और दक्षिण पश्चिमी मानसून काल। उत्तर पूर्वी मानसून काल को फिर दो भागों के अंदर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत बांटा गया है। शीत ऋतु का समय 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु का समय 15 मार्च से 15 जून और वर्षा ऋतु का समय जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल के अंतर्गत शामिल है इसका समय 15 जून से 15 सितंबर और
चौथा है शरद ऋतु, जिसका समय या जिसको हम मानसून का निवर्तन काल भी कहते हैं, उसका समय 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में माना जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में शीत ऋतु का जो समय है वो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। इस समय सूर्य दक्षिणायन यानी कि मकर रेखा की ओर चमकता है, जिससे भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और भारत में तापमान कम अंकित किए जाते हैं। उत्तर और पश्चिम भारत में इस समय पर तापमान काफी कम हो जाते हैं, कई कई जगहों पर तो ये तापमान शून्य से भी काफी अत्यधिक नीचे चले जाते हैं। इस समय पर उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है उससे केवल भारत के अंदर तमिलनाडु में वर्षा होती है और कुछ वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं उनके द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत में हो जाती है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में मावठ के नाम से जाना जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो 15 मार्च से 15 जून तक माना जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर चमक रहा होता है, जिससे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और भारत में तापमान अधिक होते हुए चले जाते हैं। इस समय पर उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तापमान अंकित किए जाते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में ही गर्म और शुष्क पवन चलती है, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर लू कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में इस समय पर होने वाली वर्षा को हम मैंगो शावर तथा जहां पर कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पर जब वर्षा होती है तो उसे हम फूलों की बौछार के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में इस समय पर तूफान आते हैं जिन्हें साइक्लोन यानी कि चक्रवात या काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पूर्वांचल में होने वाली इस मानसून पूर्व वर्षा को हम बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इस समय पर सूर्य की किरणें के सीधे पड़ने के कारण से तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण से मई के अंत तक उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा के मैदान तक वायुमंडल में बहुत कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम मानसून आघात के नाम से जानते हैं। ये मानसून आघात भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। भारत में वर्षा ऋतु का समय 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। इस समय पर संपूर्ण देश में तमिलनाडु को छोड़कर के दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रभावी होती हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम और तिब्बत के पठार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनके बारे में हम भौतिक भूगोल की कक्षा के अंदर बात करेंगे। मानसून के अचानक आरंभ को मानसून विस्फोट के नाम से जाना जाता है। वहीं हम जानते हैं कि भारत के अंदर कुल वर्षा का जो भाग होता है 65% भाग वो अरब सागरीय शाखा से तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा से 35% भाग प्राप्त होता है। भारत में वर्षा का औसत 109 सेंटीमीटर है। वहीं मानसून के अरब सागरीय शाखा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, गुजरात, राजस्थान में वर्षा करती है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करती है। मेघालय में चूंकि वहां पर तीन पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतियां कीप की आकृति में फैली हैं और समुद्र की ओर खुली होने के कारण से वहां पर मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहां की जो वर्षा होती है वो अधिकांश सुबह होती है। भारत के अंदर वर्षा की मात्रा के आधार पर हम विभिन्न प्रकार से इन भागों के अंदर बात कर सकते हैं, जिसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं। वहीं सामान्य वर्षा के क्षेत्र में जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड आदि उसमें शामिल हैं। निम्न वर्षा के क्षेत्रों में जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान भाग शामिल हैं। वहीं उसके साथ साथ जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम अल्प वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम जिसके अंतर्गत उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब क्षेत्र शामिल हैं। इसी प्रकार हम भारत मानसून की वर्षा के अंतर्गत एक विशेषता हमें देखने को मिलती है, वो ये कि कई बार मानसून के अंदर एक लंबा गैप आ जाता है और उस आने वाले शुष्क दौर को भी हम मानसून विच्छेद के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से भारतीय मानसून की हमने कुछ भारतीय मानसून के साथ साथ भारत की जो जलवायु के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारियां यहाँ पर प्राप्त की है। आप इसी प्रकार बने रहिए।
फिर हम अगली क्लास के अंदर फिर नए विषय के साथ वापस आप लोगों के सम्मुख आते हैं। थैंक यू वेरी मच।